आपदा में अवसर। जी हाँ, फरीदाबाद NIT 3 स्थित ESI हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज का एक नर्सिंग स्टाफ रघुवीर 3 लाख रुपए में रेमडेसिविर का इंजेक्शन बेच रहा था। दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह फरीदाबाद के 2 बड़े प्राइवेट अस्पतालों के करीब 7 कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं। एक अस्पताल सेक्टर 8 में है और दूसरा अस्पताल सेक्टर 21 में है। 7ों कर्मचारी स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट का काम करते थे। ये लोग किसी तरह से इंजेक्शन को अरेंज करके मजबूरी में फंसे मरीजों को 30,000 रुपये प्रति इंजेक्शन बेचते थे। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच बदरपुर बॉर्डर और क्राइम ब्रांच सेक्टर 56 की टीम ने इनको गिरफ्तार किया। इनको रिमांड में लेकर पूछताछ की गई है। करीब 20 इंजेक्शन भी बरामद किए गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये लोग किस तरह से आपदा को अवसर समझ रहे हैं और मजबूरी में फंसे मरीजों से लूट कर रहे हैं। हालांकि फरीदाबाद पुलिस इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी कर रही है। देखिए क्या कहते हैं DCP क्राइम जयवीर राठी जी। सर, 7 आरोपी पकड़े गए हैं, क्या है पूरा मामला? ये कल हमने हमारी CIA बोर्ड और CIA 56 ने मिलकर कुल 7 आरोपी पकड़े गए हैं, जिनसे टोटल 10 इंजेक्शन हमारे को बरामद हुए हैं। इनकी मॉडस ऑपरेंडी थी, ये फार्मेसिस्ट हैं, हॉस्पिटल में ही काम करते थे। हॉस्पिटल में जो बंदा डिस्चार्ज हो जाता है उनका जो भी इंजेक्शन है, 1 बच गया, 2 बच गए, ये इनको अपने पास रख लेते थे और प्रिजन को जल्दी रहती अपने पेशेंट ले जाने की, वो अपने पेशेंट ले जाए, उनसे बचा बचा के इन्होंने ऐसे इकट्ठे करे। एक आदमी जो जिससे 4 बरामद करे वो हॉस्पिटल में, वो भी फार्मेसिस्ट है, उसने ये कहा मेरे परिजनों को ये इंजेक्शन चाहिए, उसने 4 इंजेक्शन वहाँ से ले लिए, लेकिन आगे ब्लैक करने के लिए दूसरे को बेच दिया। तो ये कितने में बेचते थे और इनकी ओरिजिनल कीमत क्या थी? ओरिजिनल कीमत इसकी 3,500 के करीब है, लेकिन ये कोई 18,000 का बेच देता, कोई 20,000 का, जैसे जिस हिसाब से ग्राहक मिलते उस हिसाब से। तो ये पता लगा कहाँ तक और कितने इंजेक्शन अब तक बेच चुके हैं? नहीं, इन्होंने अभी परसों कल 2 बेचे थे, वो भी हमने रिकवर कर लिए, टोटल मिला के अभी 10 करे थे। तो अभी पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? अभी पुलिस और कब पुलिस रिमांड लेगी, उसने बताया 10 इंजेक्शन और उसके पास पड़े, तो वो बरामदगी करने के लिए उसका रिमांड हासिल किया जाए। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए, अपील करना चाहेंगे ऐसे लोगों को? तो सख्त से सख्त सजा, हम तो अपनी कोशिश करेंगे, जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है उससे।